टेक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स, और आज तो इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि मीडिया में कैसी जिंदगी होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या आपको करना पड़ता है टू बी सक्सेसफुल. सारा एक जो फैशन शो होता है, जब मॉडलिंग होती है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हनी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी लुक, और लुक के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मेकअप. ऑफ कोर्स मेकअप, और एक मेकअप आर्टिस्ट जो एक टीम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और डेडिकेटेड टू वर्क हो, तो दैट इज वेरी गुड. और सबसे अच्छी बात जो अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया, एक स्माइलिंग और प्लेजेंट पर्सनालिटी होना. एग्जैक्टली, तो इतना हैक्टिक रूटीन में भी आप कहते हो ओके नहीं, We can do it. तो हमें स्टूडियोज में अभी ज्वाइन किए हैं रूबी शहजाद ने. अस्सलाम वालेकुम रूबी, वेलकम टू रॉयल कैफे. वालेकुम अस्सलाम. बहुत अच्छी लग रही है, एकदम एक फ्रेश लुक आई. एग्जैक्टली, और उनकी स्टाइल है ना, तो बड़ा कूल सा एक इफेक्ट आता है. आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं. थैंक यू. और डेफिनेटली मैं मिस डोली के साथ ही, तो कैसे ना अच्छी लगू. अच्छा, नोटिस किए कि रूबी आके बैठी हैं, अभी हम उनकी तारीफ कर रहे थे, तो जामी भाई के फेस पे बड़ी क्यूट सी स्माइल. इसका क्या सीक्रेट है? ये कोई ग्रूमिंग बात है. प्रोडक्शन के किसी भी टीम मेंबर की जब तारीफ होती है तो स्माइल आ जाती है. मैं भी जैन भी बैठे हुए थे, जैन भी बैठे हुए थे ना. जिस फैमिली में आप रह रहे होते हैं, वो फैमिली सबसे प्यारी फैमिली होती है, और फैमिली की कदर करने वाले जो लोग होते हैं वो आला होते हैं. भाई जवाब देना है तो कोई आपसे. इसका मतलब ये हुआ कि डॉली जी एक कश्ती है, उसमें ये सारे सवाल हैं. बिल्कुल. और इस कश्ती को पार लगना है इंशाल्लाह. अच्छा रूबी, मैंने आपसे खुद भी मेकअप करवाया हुआ है, और सीरियसली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन लियो प्रोडक्शन में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, क्या क्या सीखने को मिला? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा है, सारा स्टाफ बहुत अच्छा है. जब मैं इस फील्ड में आई थी, मैम के साथ तो सब मुझे कहते थे, कुछ कहते थे ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन जब मैंने खुद गई हूँ और देखा है, बहुत अच्छी टीम है, कुछ बुरा नहीं, अपना आप अच्छा है तो सब अच्छे हैं. आप खुद अच्छे हो तो सब हाँ अच्छे सब अच्छे. और मैम भी बहुत अच्छी, मैंने इनमें कुछ ऐसा नहीं देखा. और मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से, प्लीज कुछ भी उल्टा सीधा मत बोले, जब तक आप किसी को जानते नहीं हो तो. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल. और जब हम किसी को जानते हैं तभी हम जान पाते हैं कि वो कैसा है, उसमें क्या क्या खराबियां और क्या क्या अच्छाइयां. लेकिन दूर से तो हम कहते हैं नहीं यार, वो जो कह रहा था वो सही. अच्छा, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रॉयल कैफे में जब मेरा पहला प्रोग्राम था डॉली जी के साथ, उन्हें याद हो ना हो लेकिन मुझे जरूर याद है, तो मैंने तब भी एक बात कोट की थी कि कुछ ऐसी मॉडल्स जो पहले फर्स्ट टाइम मेरे पास आई, और इवन आप यकीन करें कि उनसे बोला ही नहीं जाता था, एक लफ्ज भी वो बोल नहीं पाती थी. आफ्टर दैट उन्होंने प्रोडक्शंस को ज्वाइन किया, और एक ग्रूम्ड पर्सनालिटी सामने है. कितना टाइम लगता है पर्सनली खुद उनको टेक केयर करती हैं, किस तरह से सिखाती हैं? बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं. आप ये सोचो कि उनको ये नहीं पता होता कि उनका हेयर कट कैसा होना चाहिए, उनके फीचर्स कैसे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है. यस बिल्कुल. और जब आप एक डिजाइनर का 3-3, 4-4 लाख का ड्रेस पहन रहे हैं और आप उसका हक ही नहीं अदा करते, तो आप सोचें कि वो डिजाइनर आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है. कैरी करना इतना मायने रखता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फ्रॉम हेड टू टो एक एक चीज का परफेक्शन में जाना बहुत जरूरी है. बिल्कुल. तो वो फिर जिस वक्त मुझे देख के बस उन्हें ये है कि नहीं बस ठीक है, आपको ये अच्छा लग रहा है, यू कुड बी मच मोर बेटर देन डॉली, नो डाउट. ये मत सोचो कि आप ये बनना चाह रहे हो या इससे बहुत ऊपर का सोचो आप. लेकिन फिर ये कि कुछ मान जाती है, कुछ नहीं मानती है, लेकिन उनको कन्विंस करना मेरा काम है. मैंने तो मॉडल्स के पांव में जूतियां भी खुद पहनाई हुई हैं कि जल्दी में जिस वक्त होती हूँ, मैं कहती हूँ बस काम हो जाए, वाइंड अप करें इस चीज को. जमीन पे बैठ के उनके साथ दो दो दिन खाना खाया हुआ है, बट आई नेवर बॉदर. मुझे सोच में भी नहीं आता कि मैं जो ये कर रही हूँ ये इसलिए कर रही हूँ कि ये बन जाए. मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कम से कम चार लोगों में बैठ के वो ये तो कह सके कि हाँ डॉली के साथ जो काम किया, एट द स्पॉट वो छोड़ के जाती हैं, क्योंकि उन्हें एक अट्रैक्शन मिलती है. बिल्कुल बिल्कुल. डॉली के साथ है मॉडल, पॉइंट आउट किया जाएगा ओके ये है डॉली के साथ, इसको तोड़ना है, तोड़ दिया. उसको ख्वाब दिखाए, वो बहुत बातों में आ गई क्योंकि उसकी अब एज भी ऐसी, उसको लगता है रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ गया जी. अब जिस वक्त वो चली जाती है तो वो सब कुछ डेड और फ्लैट हो जाता है. और फिर उसके बाद जब वो वापस आना चाहती हूँ, कहती हूँ नहीं अब नहीं, अब नहीं, क्योंकि जिसने नहीं जाना था उसने जाना ही नहीं था, और जो एक बार चला गया वो फिर आएगा तो फिर जरूर जाएगा. पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है आप, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. पंजाब से भी बड़ी मोहब्बत. तो कुछ ऐसा मॉडल बनाए कि जीन हो, लॉन्ग शूज हो, और ऊपर सलूका पहना हुआ, ऊपर पगड़ी हो और हाथ में हुक्का हो, ओवर हिल पे चलता हुआ आ रहा हो, ऐसे बारियां लगाता. नई बात, एक नई बात रख लेते हैं. मैं बिल्कुल आपको ठीक दे रहा हूँ. यार वो क्या है, वो सबसे हाईलाइट होगा, ये मैं कहता हूँ. और मॉडल आपने अपॉइंट करने हैं सुहेल को, सुहेल डिंपल्स के साथ आए ना. एंड एग्जैक्टली, आप देख रहे हैं
हिना के बाल कितने आज अच्छे लगे माशाल्लाह बड़े नहीं है तुम्हारा टारगेट हमेशा हिना ही क्यों होती है तो मुझे क्यों नहीं कोई बात है मैं चाहती हूं मुझे कोई बात कहो तो फिर मैं आगे बड़े भाई आप बड़े भाई हो इज्जत करते हो ऑनर करते हो आप बात को टोक देते हो इसलिए ये देखा अभी फिर बात बीच में रह गई बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं जी क्यों अच्छे लग रहे हैं मैं समझ रहा रसा टप दी रही चलो देखो ये कुड़ियां डर दे मेरी गैस वाली बोतलें तो नहीं पीनी है ठा करके छातना बच जाती है ओह माय सॉरी क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस ना सुहेल को काफी मर्तबा हुआ है मतलब ये इस तरह से करके बॉटल खोलते थे ऊपर जंप मारते थे फिर इनको नीचे लाना पड़ता है ना सुहेल मैं जितनी देर से नोट कर रही हूँ जामी भाई जो है वो बहुत एक सोबर सी जामी भाई को नोट कर रही हूँ हाँ मेरे भाई को मुझसे पूछे बगैर नोट कर रही हूँ क्या हो गया बहुत ही सोबर सी पर्सनालिटी है तो आपने कोई और बीट क्यों नहीं चूज की उसमें जर्नलिज्म में व्हाई शोबिज क्राइम करते कुछ और करते शोबिज क्राइम क्यों करते वो शरीफ आदमी क्राइम क्राइम बीट करते मैं समझता हूँ अल्लाह ने हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट वदियत किया होता है बात यह है उसको कौन पहचानता है उसके मुताबिक कौन चलता है आज जिंदगी में बाज दफा अपने अर्निंग के लिए बहुत से गलत डिसीजन करते हैं वो टैलेंट के मुनाफी होते हैं लेकिन आपका टैलेंट आपको अंदर से ये कहता रहता है कि आपकी ये फील्ड नहीं है आपको यहाँ पे आना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि ये टैलेंट जो है शोबिज के हवाले से और फनून लतीफ़ा के हवाले से लिखना इंटरव्यू करने सेलिब्रिटीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी ये मुझ में बाय बर्थ थी वदियत था और इसी वजह से मैं इसमें अच्छा भाई ये बताइए कि हर इंसान की एक इंस्पिरेशन होती है लाइक डॉली जी की भी होगी मेरी भी होगी हम सबकी होती है जैसे इंस्पायर होकर हम उस फील्ड में आते हैं हम उन जैसा तो नहीं हो सकते लेकिन उन जैसा होने का ट्राई कर सकते हैं आपकी इंस्पिरेशन कौन मैं सायरा हकीकत तो ये है कि मैं जो हूँ बेसिकली मुझे जो शौक है वो एक अच्छा लिखारी बनने का शौक है और राइटर जो है जितने भी माजी में गुजरे मुझे नसीम हिजाजी से मैं बहुत जो मुतासर हूँ और नसीम हिजाजी मेरे फेवरेट है और नसीम हिजाजी को मैंने उस वक्त उनके सारे नावल्स पढ़ लिए थे जब मैं 5 क्लास में था जब 5 क्लास के बच्चे को नॉलेज ही नहीं होता कि नसीम हिजाजी क्या और उसका थीम क्या और उसकी बातें क्या है नसीम हिजाजी को लोग 10वीं में आगे रजिया भट्ट पढ़ना शुरू करते हैं हमने 5वीं में नसीम हिजाजी पढ़ना शुरू कर दिया वंडरफुल जबरदस्त हर तरह की मॉडल्स ही आती हैं आपके पास मेक ओवर कराने के लिए कभी कोई इस तरह की मॉडल से भी वास्ता पड़ा जिससे आप तंग आ गई हो कि भाई ये तो सेटिस्फाई नहीं होने में आ रही किसी भी तरह नहीं वो अभी जब ये पिछला शो किया उसमें थी मॉडल्स लेकिन जाहिर बात एक आर्टिस्ट का काम ऐसा है कि उसको उसकी सेटिस्फेक्शन बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है तो मेरी कोशिश यही होती है जो बंदा जिस तरह सेटिस्फेक्शन होती है उसकी उसी तरीके से की जाए मैं यहाँ तक कि मैं मैम के पास भी नहीं गई उसको मैंने कवर किया जरूर है ये हुआ था कि बड़े आराम से ब्रश से लगी हुई है मगर वो भी मैं यहाँ नहीं आ रही हूँ अब तुम खुद संभाल लेना ओके मैम इसे पकड़ा शेयर उंगली से मतलब आज तो तुम कुछ भी करो ना बस मैनेज करो क्योंकि वो ये होता है कि देखो कुछ ऐसी होती है मॉडल जिनको खुद पे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके मतलब खुद में कमी होती है अपना अच्छा भी हो रहा होगा दूसरी को देख के इंस्पायर हो रही होंगी अच्छा अपने मुंह धुलवा रही है बार बार कर रही है उसका अपना चेहरा है एग्जैक्टली अच्छा अगर सिलेक्शन ऑफ ड्रेसेस की बात करूं तो हमेशा एक नयापन मुझे आप में देखने को मिलता है और ये बात मैं हमेशा आपकी बैक पे भी बोलती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ड्रेसिंग करना अदरवाइज आप 40,000 का भी ड्रेस पहन लो या 4 लाख का भी ड्रेस पहन लो अगर वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं है तो दैट इज वर्थलेस ये चीज शुरू से थी या विद द पैसेज ऑफ टाइम शुरू से थी तभी तो फंसी हमेशा जिस इवेंट में जाना जहाँ जाना बहुत ही सिलेक्टिव कलर्स और बड़ा चूजी सा होकर तो वो हाईलाइट हो जाया करती थी खुद से तो लोग यही पूछते थे आप डिजाइनर हैं आप ये आप वो नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ लेकिन वो माइंड में आता गया लोग जबरदस्ती आपको होना चाहिए आप खुद इतना अच्छा पहनती है हमें भी पहनाए मैं कहती आज ये पहनाते हैं वो आज ये हाल हो गया कि मैं अब वो मतलब इतने ज्यादा प्रोजेक्ट इधर उधर फैल गया कि खुद पूरा नहीं पढ़ पा रही हूँ और आप यकीन करो कि जिस काम के साथ आप खुद जस्टिस नहीं करते हो ना उस काम का वो आउटपुट आता ही नहीं है बिल्कुल ठीक है जोली जी और जमी जी बड़ी
काम के साथ मोहब्बत करने का एक वो बताया कि इतनी इंतहा का प्यार, जैसे कि मेकअप करते हैं किसी का, मैं गया इंडिया में फिल्म की वो जाके, तो मैंने वो मेकअप में, मैं कृष्ण ये मेकअप कर, मैं पैकअप हो गया, मैं कह भाई ये ज़रा उतार दो, कहता नहीं भाई जान ये ले लोशन, ये क्रीम है, ये ऑयल है, इसे जिससे मर्जी आप साफ कर, मैं कह भाई आपने करना है ये कर दो ज़रा अच्छे तरीके से यार, कहता नहीं भाई मैं नहीं, मैं कह क्या वजह क्या, कहता असल में बात ये थी, कहते भाई जान साहब बात यह है कि जो चेहरे हम अपने हाथों से खूबसूरत बनाते हैं उन्हें अपने हाथों से बिगाड़ नहीं सकते, क्या मोहब्बत की बात है, उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी इज ड्यूटी, बहुत अच्छा उन्होंने कहा, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमें लगाने के पैसे मिलते हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है यहाँ हमारे पास, यहाँ पे सही बात है, खासकर विंटर्स आ रहे हैं और रूबी हमारे साथ मौजूद है, बताया विंटर्स में क्या मेकअप ट्रेंड्स हैं, कौन से लिपस्टिक के कलर्स चलेंगे, कौन से आई शेड्स चलेंगे, बिल्कुल क्योंकि विंटर्स में आपकी ड्राई स्किन होती है उसके लिए आप केक नहीं यूज कर सकते, इसके लिए फाउंडेशन वगैरह यूज करेंगे क्योंकि ड्राई हो जाती है स्किन, और विंटर्स में जो लिपस्टिक होती है वो ज्यादा ग्लॉसली, अच्छा ग्लॉसी, शेड्स कौन से, डार्क कलर लगाए या लाइट, आई गेस डार्क आजकल तो वैसे दोनों ही चल रहे हैं, दोनों ही चल रहे हैं, डार्क भी है, डार्क से ज्यादा चल रही है आजकल, एक और ट्रेंड चल रहा है पर्पल लिपस्टिक, येलो लिपस्टिक, ऑरेंज लिपस्टिक, बिल्कुल ये स्पेसिफिक है बहुत, आप अगर शूट को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अगर करवा रहे हैं या फिर आपका कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस है, अदरवाइज यू विल बी फन फॉर देम, आम रूटीन के उसमें चले जाए तो आप कहते हैं ना कि खाओ मन भाता पहनो भाता, तो हम इन चीजों को बहुत फोकस करना चाहिए कि हम जिस गैदरिंग में जा रहे हैं वहाँ लोगों की मेंटालिटी और उनका क्या स्टेटस है, स्टेट ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, एक तो ये है कि गोरे रंग का भी मेकअप एक होता है, एक काले रंग का मेकअप भी होता है, कि सांवला है सांवले के किसे करना, एक और होता है जो कि उड़े हुए रंग था किसान एकदम डॉली के दुश्मन आने से मेरा तो रंग उड़ गया, वो मेकअप मुझे कर, फिर अपना एक्सपीरियंस ऐसा कर ले कि वो उसका मजीद उड़ जाए। जानवी इस फील्ड में आने के बाद कोई एक ऐसा अनफॉरगेटेबल वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं, डॉली को कुछ याद आ गया मेरे ख्याल में, ये जिक्र थोड़ी कर सकते हैं, अब ऐसे ही बस होते हैं, लेकिन ये आजमाइश की काफी घड़ियां आई है, पहले तो इनको इस फील्ड में मतलब अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ अटैच करने के लिए मैंने पूरी रातें दुआएं, मतलब वो एक होता है ना कि कहीं भाई ना कर दे, ना कर दे कोई अपना रीजन ना दे दे, तो आई वाज वेरी मच विलिंग कि ये ज्वाइन कर ले लियो प्रोडक्शन, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे मतलब के होता है ना ढूंढ रही होती हूँ कि मुझे सारे के सारे डायमंड्स चाहिए, ही इज वन ऑफ दोज, तो मुझे ये चाहिए थे, तो अल्लाह ताला ने मेरा करम किया कि मेरी दुआ कबूल। अच्छा वैसे आना कैसे हुआ, ये तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्रोडक्शन में आना कैसे हुआ आपका, डॉली जी की दुआएं तो ऑब्वियसली रंग ले ही आई, लेकिन उसके बावजूद कैसे बना रहा। मैं डॉली से अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि मैंने डॉली की शख्सियत को देखा था, और इनका मैंने एक शो अटेंड किया था एम्बेसडर होटल में, इनका एक शो था, उसमें इन्होंने एक वाकया सुनाया, वो था ये एडिक्ट पर्सन के ऊपर, अच्छा, 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 उसमें इन्होंने बताया कि मैं एक दफा लिबर्टी चौक से जा रही थी, तो वहाँ पे एक जो नशेई है उसकी हालत बुरी हुई हुई थी, वो मरने के करीब था, तो मैंने देखा तो मैंने हेल्प मांगी, तो लोगों ने ये तासर दिया कि ये नशेई है इसको छोड़ें आप जाएं, तो इन्होंने फौरन वहां पे गाड़ी का अरेंज करके उसे वहां हॉस्पिटल पहुंचाया। तो जब ये वाकया शेयर हुआ वहां पे, तो मेरी अगले दिन ये खबर थी, और फिर मैंने डॉली से जब मुलाकात की तो मेरा पूरा फोकस इस बात पे था कि आप इतना फेमस नेम, आपको क्या जरूरत पड़ी थी वो एक जो सड़क पे पड़ा हुआ है। तो उसके बाद जो इन्होंने गुफ्तगू की वो इनके अंदर की बातें थी, और इनकी आंखों में जो वो बात करते हुए नमी आई थी, हम जो जर्नलिस्ट होते हैं सबसे पहले हम यही ऑब्जर्व कर रहे थे इंटरव्यू करने वाले का कि वो बोल कहाँ से रहा है, उसमें मसनूईपन कितना है और उसमें इखलास कितना है। तो उस पूरे वाक्य में जो इखलास मैंने नोट किया था, जो बॉडी लैंग्वेज से नजर आया मुझे, जो इनकी गुफ्तगू से नजर आया, तो वो बहुत मेरे लिए इंस्पायरिंग था कि जिसे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हो, इतना मकाम दिया हो, जिसके जब डॉली से लोग मिलने के लिए तरसते हो,
तो वो इतनी सोच रखती हो एक इंसान के लिए, और वो उसे कभी भी ये ना सोचे कि ये एक फजूल इंसान है हमारे माशरे का, बल्कि उसे सपोर्ट कर रही हैं, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। ये खास बात थी डॉली की शख्सियत में। आज भी मैं इन्हें कहता हूँ कि मैं आपकी शख्सियत की वजह से हूँ ल्यू प्रोडक्शन, ये सारे जितने भी मादी वसाइल ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ जो है वो यही है कि मैं आपके इखलाक और आपकी शख्सियत से मुतासर होके आपके साथ हूँ। डोली बढ़ के हमें शायद नशे को उठाते मैं ज्यादा उसे थी कि मैं वहाँ पे उन्हें कह रही हूँ कि वो मतलब उस वक्त भी सेल्फियों में लगे हुए कि पिक्चर्स बना ले और सारे के सारे जो खड़े हुए कह रही उसको फोकस कर लो खुदा के वास्ते, मतलब ही वाज इन टेरिबल कंडीशन। ओके ओके, बहुत ही ज्यादा वहां पे साथ बैठे हुए लोग ताश खेल रहे हैं, बिरयानियां खा रहे हैं। अच्छा, उसके पास उन्होंने खाना फेंका हुआ है जो कुत्ता खा रहा है, जो रखा हुआ था शॉपर, तो वो फेंका, वो खा भी नहीं सकता खुद से, तो आप कम से कम उसको हेल्प आउट तो कर दो, लेकिन दे वर नॉट लिसनिंग। अच्छा, चैप्टर इज ओपन, और वो वाला जो चैप्टर है वो अभी एज इट इज क्लोज है, वो कुछ ओपन नहीं हो पा रहा। सुहेल, एक मिनट मेरी कॉल। चैप्टर इज ओपन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हां जी जी, मैं सुहेल गल कर रहा। हां जी, और 100 दा लोड कर दियो, केड़े नंबर ते करना? 15 ते कर दियो। अच्छा, और सुनाओ तुसीं, 15 ते कर दियो। सुनाए कमर्शियल देखे तुसीं सारा जी? आज तो पूरे लाल हो ना, तुम्हारा कमर्शियल बहुत हिट होया, तुम्हें पता है। आओ दोस्तों खून पीने चले। बात हुई खून की, मैं कब से कह रही हूँ कि वो बेचारे के दिमाग को ये बात चढ़ना शुरू हो गई है कि उसके हाथ क्यों पीले नहीं हुए अभी तक। अगर उसके हाथ पीले हो चुके होते ना अभी तक, तो ये खून पसीने वाली बात बीच में ना आती। आपको पता है मैं रिश्ता ढूंढ रही हूँ, लेकिन मैंने अपने भाई को बयान आया। बिल्कुल, क्योंकि मतलब भाई में वो भाई वाला टच आ ही नहीं पा रहा है। मैं क्या करूं अभी, मैं डेली कहती हूँ उसके हाथ पीले करने, हाथ पीले करने। डॉली जी, अभी आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे सही कह रही हूँ। वैसे भी मैट्रिमोनियल रह गया, पठान होना चाहिए। उसने मुझे खुद कहा है, मैं फिर कुछ बोलूंगी। लड़का पठान बहुत मोटा सारा पठान, अच्छा डॉक्टर को यार, डॉक्टर मेरा वेट कम नहीं होता, मुझे कुछ बता दो। उन्होंने कहा भाई तुम 10 किलोमीटर रोजाना वॉक किया करो, फिर जाके 10 दिन करनी आपने। 10 दिन के बाद उसका फोन आया, भाई डॉक्टर साहब मैं अफगानिस्तान पहुंच गया है। अब मैंने कहा किधर जा रहे हो? रशिया 10 किलोमीटर रह गई। हमारा ये हंसी बिखेरता हुआ रॉयल कैफे इसी तरह से जारी है। वंस अगेन यहाँ पे टाइम हुआ छोटी सी खट्टी मीठी डिलीशियस सी ब्रेक का, लेकिन उससे पहले वी आर थैंकफुल टू रूबी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और इन्होंने जो हमें मजेदार किस्म की टिप्स दी, बड़ी इंफॉर्मेटिव वन। आप देखते रहिए रॉयल कैफे, हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद।